नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब कि बिना किसी पैसों के भी, अपना एक फूड बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले फूड बिजनेस की बात करें, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस होता क्या है। एक मैंने बुक पढ़ी थी अभी, द बिजनेस स्कूल्स की, ये रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही फेमस राइटर है जो कि एक फाइनेंस के ऊपर उनकी काफ़ी सारी किताब है, रिच डैड पुअर डैड, ये उसका ही एक दूसरा पार्ट है। इन्होंने इसमें लिखा है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। पर हम लोग अमीर ही क्यों बने या हम लोग अमीर क्यों बनना चाहते हो, तो जनरली अगर एक नॉर्मल कॉमन बंदे से पूछा जाए अमीर आप क्यों बनना चाहते हैं, तो उसका सिंपली होगा कि मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए इसलिए मैं रिच बनना चाहता हूँ, ताकि उस पैसे का मैं अलग अलग ढंग से अपने इन्जॉयमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए किसी भी ढंग से अपना इस्तेमाल कर सकूँ। पर इस बुक के अनुसार और मेरा भी मानना है कि अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तभी आप बिजनेस कीजिएगा, नहीं तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सिंपली इस बुक में भी लिखा गया है फॉर पीपल हु लाइक टू हेल्पिंग पीपल, जो लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनकी मदद करें, चाहे अपने प्रोडक्ट के सर्विस के द्वारा, वही बिजनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस, फूड बिजनेस की बात करें, सबसे पहले हम लोग बिजनेस के ही समझेंगे कि बिजनेस क्या है। जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज किसी दूसरे को देते हो, उनकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हो, तो वो एक तरीके से बिजनेस कहलाता है। अब अगर मान लीजिए अगर आप किसी एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप जाके उस डॉक्टर के एडवाइस लेते हैं, तो आप डॉक्टर को पैसा देते हैं, वहाँ पे डॉक्टर आपको सिर्फ अपनी एडवाइस ही दे रहा है, जो भी उसके पास एक्सपर्टीज हैं, जो भी उसके पास स्किल्स हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के दें, तो आप उसको पेमेंट्स कर रहे हो, तो वहाँ पे वो सर्विसेज हो गई। उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करता है, आप दवाई किसी दूसरी कंपनी के ले जाके देते हो, तो आप उस कंपनी का कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो यहाँ पे आपने एक डॉक्टर के साथ प्रोडक्ट भी खरीदा है और डॉक्टर के रिकमेंड से किसी की सर्विसेज भी खरीदी है, और उसके बदले में आपने उनको कुछ पैसा दिया है। इससे क्या हुआ है, जब आपने पैसा दिया है आपको कुछ वैल्यू मिली है और आपकी हेल्थ ठीक हुई है और आप फिर स्वस्थ हो गए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने आपकी हेल्प करी और एक तरीके से बिजनेस हो गया। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट से ही आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप सर्विसेज देके भी अपने एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब फूड बिजनेस होता क्या है, फूड से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें फूड बिजनेस में आती हैं। फूड बिजनेस में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोडक्ट, दूसरी होती हैं सर्विसेज। तो जो पूरी आज की जो भी वीडियो होने वाली है, लंबी होगी थोड़ी सी, पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिना पैसे लगाए अपने एक बिजनेस स्टार्ट करने, कोरोना का समय है, आपको पता होना चाहिए आपके स्किल्स को आपको कैसे यूज़ करना है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे जब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, या तो आपको रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, क्लाउड किचन खोलना पड़ेगा, कोई इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, ठीक है, कोई छोटा मोटा घर से काम करना पड़ेगा, बेकरी, पेस्ट्री, फूड ट्रक, फूड वैन, कोई भी चीज़ें। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ काम करोगे, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट बेचोगे जो कि विजिबल किसी को दिखाई देंगे। पर यहीं पे अगर आप अपनी सर्विसेज देने लग जाते हो, जो कि आप पहले भी दे रहे थे, जब आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, कहीं पे काम कर रहे थे, उस समय भी डायरेक्ट आप इनको सर्विसेज दे रहे थे, पर यहाँ पे इस समय में, या फिर अगर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ करना है, आप अपनी स्किल्स इनको किसी दूसरे वे में सर्व करने लग जाते हो, और उस स्किल्स के बदले में, उस सर्विस के बदले में आप उनसे पेमेंट्स लेने लग जाते हो। जैसे कि अगर मेरी बात करेंगे, मैं यहाँ पे आपको अपने YouTube चैनल के थ्रू ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट हैं, मेरे कोर्सेज हैं, मेरे प्रोग्राम्स हैं, आप उनको इनरोल करो। वहाँ पे मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ। कुछ मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे टी शर्ट्स हैं, मेरे मर्चेंडाइजर हैं, जहाँ पे के पास आपको कुछ फिजिकल चीज़ें आती है, पर मैक्सिमम यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स का यूज़ करके अपनी सारी की सारी सर्विसेज आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जोर देना चाहूँगा, जो भी शेफ़ हैं, कॉमी हैं, लेवल पे हैं, कुक हैं, वो अपनी सर्विसेज के द्वारा भी आपको, और यहाँ पे देखने वाला बात यहाँ है, जो कि प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो कि रेस्टोरेंट, क्लाउड, आप उनको वहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। अब ये सर्विसेज क्या हो सकती है, सबसे पहले होती है हमारे यहाँ रेसिपी राइटिंग की। रेसिपी राइटिंग में आप किसी भी क्लाउड किचन रेस्टोरेंट को अप्रोच कर सकते हैं, दुनिया भर के रेस्टोरेंट क्लाउड किचन हैं, मेरे पास कितने ही यहाँ पे ऐसे लीड्स आती हैं कि हमें रेसिपीज़ अपनी लिखवानी है,
ठीक है, तो आप उनके लिए रेसिपी राइटिंग का काम कर सकते हो। दूसरा, आप लोग मैन पावर हायरिंग का काम कर सकते हो। मैन पावर बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है, मैन पावर मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो आप किसी के लिए भी, किसी तीसरे रेस्टोरेंट के लिए, क्लाउड किचन के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पे उनके लिए मैन पावर वहाँ पे ढूंढ सकते हो और उसके बदले आप उनसे चार्जेस ले सकते हो। इसके अलावा आप उनके लिए स्पेशलाइज्ड मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, मेन्यू क्रिएशन के आप उनसे पैसे ले सकते हो। और यहाँ पे जो भी मैं सर्विसेज बता रहा हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको सर्विस अपनी 500 रुपये में देना चाहते हैं, 5000 में देना चाहते हैं या 50000 में देना चाहते हैं। टोटली सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तीसरा, इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें जो चौथा है वो है हमारे डिस्क्रिप्शन का। क्लाउड किचन के अगर आप ऊपर देखेंगे, लोगों के मेन्यूज़ रहते हैं, उनके मेन्यू में डिस्क्रिप्शन नहीं रहते, तो इवन आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपके जो भी मेन्यू है उनका मैं सारा का सारा डिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा और इसके लिए मैं एक सर्टेन अमाउंट, चाहे 1000 रुपये 2000 रुपये मैं चार्ज कर सकता हूँ। इसके बाद आप उनके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें उनकी चल रही है उसके हटके, अलग हटके कुछ भी आप उनके लिए कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर सकते हो। बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर सकते हो, किसी एक बर्गर का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर सकते हो, मिल्क शेक होगा, बिरयानी होगा, आपकी सोच के ऊपर है क्या क्या आप वहाँ पे उनके लिए कर सकते हो। उसके बाद आप उनके जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग्स दे सकते हो। ट्रेनिंग्स के अंदर चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड हो, उनके मेन्यू से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हो, मैन पावर के ऊपर हो, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं आपको डेवलप करनी होंगी। उसके बाद आप उनके लिए नई रेसिपी डेवलप कर सकते हैं। एक तो होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेन्यू है उनकी आप रेसिपी लिखें, जो कि मैं पहले मैंने आपको बताया, या फिर आप उनके लिए कोई एक नई रेसिपी भी डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा आप वहाँ पे अपने इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने इवेंट्स को वहाँ पे उनके पास सेल कर सकते हो। अभी इवेंट्स देखें तो बुक माई शो पे इवेंट्स बिकते हैं, फेसबुक के पेज के थ्रू आप अपने इवेंट्स बेच सकते हैं। आप चाहे तो अपने जो स्किल्स के, मतलब कि आप अपने खाने की रेसिपीज आप लोग सेल कर सकते हो। आप एज अ फूड स्टाइलिस्ट भी काम कर सकते हो। किसी को पिक्चर अच्छी क्लिक करवानी है, उनको नहीं पता है किस तरीके से पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या क्या प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, किस किस प्रकार के प्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये सारी की सारी सर्विसेज आप दे सकते हो। आप एज अ ऑनलाइन कंसल्टेंट का काम भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक अच्छा काम है। इसके अलावा आप उनके किचन के डिज़ाइन कर सकते हो, उनके रेस्टोरेंट के डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आपको मालूम है आप उनके लिए क्रॉकरी डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला इंस्टीट्यूट्स वगैरह आप लोग पहले ओपन कर सकते हो, तो इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो। मैं भी, आपने देखा होगा, मैं भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर आप स्पेशलाइज जा सकते हो, कॉन्टी के लिए जा सकते हो, इंडियन के लिए जा सकते हो, बेकरी के लिए आप लोग जा सकते हो। आप यहाँ पे एज अ बिजनेस डेवलपमेंट का डेवलपर भी काम कर सकते हो। आप उनके बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उनको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बता सकते हो, रेस्टोरेंट ऑनर को उनको स्ट्रेटजी वो दे सकते हो। इसके अलावा आप वहाँ पे उनको पैकेजिंग के बारे में बता सकते हो, जिसके लिए आप चार्जेस ले सकते हो। आप चाहे तो अपनी रिज्यूम सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहे तो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन करवा सकते हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये मैंने एंडलेस कुछ बताने की कोशिश करी। इसके अलावा भी ढेर सारी सर्विसेज हो सकती हैं, जो कि आप इन रेस्टोरेंट्स को, क्लाउड किचन को, टेक अवे को, फूड वैन को, हॉस्पिटल्स को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जैसे कि मैंने होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स बताया उनको दे सकते हो। आप डायरेक्ट ना जाके एज अ फ्रीलांस काम करके ये सारी की सारी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप अपनी कोई कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपने प्रोप्राइटरशिप में खोला है या किसी के साथ मिलकर खोला है, दो तीन लोगों ने खोला है। इवन एक मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो दिल्ली के ही हैं, तो उन्होंने खुद की अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी है जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज को देते हैं। वो लोग कुछ पार्टीज़ के ऑर्डर लेते हैं, थोड़ी हाई क्लास पार्टीज़ होती हैं, वो सारा का सारा प्रिपरेशन अपने घर से लेके जाते हैं, मैक्सिमम हाफ डन ही होता है, और वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे जाके डिस्प्ले करते हैं। तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, शेफ ऑन द हाउस के नाम से है उनका। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हो। आपके मन में जो भी आ रहा है आप वो कीजिएगा, और इस प्रकार से आप अपना बिजनेस बिना किसी पैसे लगाए स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ समझ आए होंगी, हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ मिले जिसके बेस पे आप अपने आगे काम को स्टार्ट कर पाएं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।